हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और सभी को प्यार भरा गुड आफ्टरनून, नमस्ते, जय श्री राम। और दोस्तों, क्या पक रहा है आपके किचन में? फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और हमारे किचन में आज क्या पका है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने बनाया है आज दाल मखनी, साथ में राइस, कद्दू की सब्जी एंड भिंडी की सब्जी, दोनों सूखा साग बना हुआ है, और रोटियां गर्मा गर्म। इतना कुछ हमारे यहाँ खाने में पका हुआ है। तो यदि आपको भूख लग रही हो तो जल्दी जल्दी हमारे घर पर आ जाइए। सभी लोग इनवाइटेड हो आप लोग। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं मुद्दे की कि कुछ कुछ लोगों ने, कुछ खास लोगों ने, या कहना चाहिए रिलेटिव्स ने, रिश्तेदारों ने कुछ बातें करी है मेरे बारे में, तो वो उनका जवाब देना तो बनता है ना दोस्तों। वीडियोस तो अब मेरे सभी लोग देखते हैं, मुझे मालूम है। देखो, मैं अभी तक क्या था दोस्तों, कोई भी बात ऐसी यहाँ पर लेकर नहीं आना चाहती थी। मैं सच बताऊं, मैं कुछ भी ऐसी बात यहाँ शेयर करना नहीं चाहती थी, घर से रिलेटेड कोई भी बात। लेकिन क्या करें, लोग मजबूर करते हैं बोलने के लिए, है ना। क्या रहता है, कुछ लोगों की ये आदत रहती है दोस्तों कि उनके लिए अपन, है ना, कलेजा भी अपना फाड़ के रख देंगे ना, कलेजा भी परोस देंगे ना, तो वो टेढ़ी टांग के ही रहेंगे सीधे। कई लोग की आदत रहती है मुंह पे अच्छा बनने की और पीठ पीछे बुराई करने की। देखो, ये डबल फेस वाले जो लोग रहते हैं ना, वो मुझे कतई पसंद नहीं है, सीधी बात है ना। डबल फेस अपने तक ही सीमित रखो, दूसरों के सामने नहीं, है ना। जवाब देना हमको भी आता है और बखूबी आता है, और बहुत अच्छे से आता है। मैं औरों जैसी तो नहीं हूं ना कि मैं सहन कर लूंगी, है ना। जो सहन कर रहा है वो शायद बहुत सहनशील होगा इसलिए सहन कर रहा है। मैं सहनशील नहीं हूं, है ना, जितना सह सकती हूँ, और गलत बात तो मैं बिल्कुल भी नहीं सह सकती, सीधी बात है ना। गलत बात के विरोध में फिर तो चाहे कोई भी खां खड़ा हो मेरे सामने, मुझे फर्क नहीं पड़ता, है ना। जब तक रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि चलो ठीक है यार, अपने हैं अपने हैं, इसलिए रिस्पेक्ट दे रहे हैं। लेकिन यदि पीठ पीछे हमारे बारे में कुछ भी बोला जाएगा तो मैं तो मुंह पे जवाब दूंगी, है ना। मुझे मालूम है डेली वीडियोस वॉच करते हो आप लोग, मेरे डेली देखते हो ना, तो ये वीडियो भी आप तक अच्छे से पहुंच जाएगा। इस वीडियो से सुधर जाओ तो अच्छा है, वरना हम धमक भी आएंगे। हमें कोई डर नहीं है ना, हम बोलने से पीछे हटते नहीं है कभी भी। यदि आपने गलत बोला है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें क्या बोला गया है दोस्तों, चलिए अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल रही है, आज क्या वीडियो लेके बैठ गई है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मुझे क्या बोला गया। मुझे बोला गया है कि ये YouTube पर नच नच के पैसा कमाती है, YouTube पर नचनिया बनी है और नच नच के पैसा कमाती है, और अपने बच्चों को और अपने परिवार को, मतलब मैं अपने माँ बाप को भी, अपने पूरे परिवार को भी नच नच के कमा के पैसा के दे रही हूँ। एक बात बता दो दोस्तों, आप सब मेरे वीडियोस देखते हो, कौन सा वीडियो ऐसा है जो रोज नच नच के बनाती हूँ मैं? सच्ची सच्ची बता दो, है ना। देखो, मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं है, और जो 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 बोल रहा है ना वो, उसका झूठ तो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। जो जिसने बोला है ना, प्लीज वो एक दो वीडियो बता दो मुझे कि मैंने कहाँ नच नच के वीडियो बनाए, नच नच के पैसा कमाती हूँ। और ये किसने बोल दिया कि मैं नच नच के कमा कमा के अपने माँ बाप को खिलाती हूँ? देखो यार, ये झूठ वूठ मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँ। मैं बहुत अच्छे से बात कर रही हूँ ना अभी, बहुत लहजे में और बहुत रिस्पेक्ट से बात कर रही हूँ। जिस दिन मेरा लहजा टूटा, जिस दिन मैंने रिस्पेक्ट तोड़ा, है ना, फिर मैं किसी की नहीं सुनने वाली, है ना। फिर चाहे आप कितने भी बड़े हो मेरे से, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। बात जब मेरे इज्जत पे हो, मेरे ऊपर आएगी ना, तो मैं इस बात को सहन नहीं करूंगी। आ रही ना समझ में? सुन रहे हो ना, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? तो आइंदा से इस तरह की कोई भी बात किसी से भी मेरे बारे में बोली गई, बात तो देखो ऐसी रहती है कि जब मुंह से निकल गई ना तो वो तो आवारा हो जाती है फिर बात,
वो उड़ते 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 एक के मुंह से दो के मुंह से सामने वाले तक पहुंच ही जाती है ना। ये तो बहुत अच्छे से समझते हो गए है ना, समझते हो ना, इसलिए अपनी जबान पे ना थोड़ा सा कंट्रोल रखो है ना। बहुत बोलते हो, बहुत बोलते हो, थोड़ा कम बोलना सीखो। सहने वाले सह सकते, हर कोई नहीं सह सकता है ना। सबको एक तराजू में मत तोलो कि जैसे वो है तो हम भी वैसे ही होंगे। हम बिल्कुल वैसे नहीं है, हम बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, मतलब बहुत रिस्पेक्ट, जब तक देना हो, जब तक सही है कि सामने वाला अपन से अच्छे से बिहेवियर कर रहा है तो हम रिस्पेक्ट दे। लेकिन पीठ पीछे यदि, समझ रहे ना, चाकू घोपोगे ना तो फिर हम भी बहुत होशियार है ना, हम बदनाम करने में कसर नहीं छोड़ेंगे है ना। ये चीज ध्यान रखना, इसलिए सोच समझ के किसी के बारे में बोलने का हो। और सुना है कि बहुत बक 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 होता है कि नहीं होता है, तो थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखो है ना। वहां जाना है और वहां हिसाब होना है सबका, आए समझ में? ऐसा ना होगी बोल दूं क्या? खैर ठीक है, नहीं बोल रही है ना, उतना ही बोल रही हूँ जितना अभी आपको समझ में आ रहा होगा। और नहीं आया हो तो फिर बता देना है ना, बात तो फिर उड़ उड़ के हवा में उड़ उड़ के आ ही जाएगी यहाँ तक। ठीक है, हद है यार, सच में हद है। कि एक बात तो सही है दोस्तों, कि अकेली औरत के ऊपर लोग उंगली बहुत करते हैं। ये समझ नहीं आता कि अकेली औरत ताकतवर कितनी हो जाती है सब चीज सहते सहते। और जिस दिन वो सामने आ गई ना अपना रूप धारण करके, भागते फिरोगे इधर उधर, आए समझ में? तो दोस्तों मैं अभी उनका यहाँ नाम तो नहीं ले रही हूँ कि जिन्होंने ये बोला है, और आप लोग ये मत समझना कि ये मेरे हस्बैंड से रिलेटेड या कोई बात है, उनसे रिलेटेड तो ये कोई बात ही नहीं है, इसलिए उनसे रिलेट मत करना। हाथ जोड़ के विनती है, ये हमारे ही कोई रिश्तेदार हैं जो हमारे ही बारे में ऐसा बोलते फिर रहे हैं। ठीक है, अब अभी हम उन रिश्तेदारों का नाम तो नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, वीडियो देख रहे होगे तो अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, और वीडियो से भी नहीं समझ में आया हो तो वैसा बोल देना। ठीक है, आ जाएंगे हम धमकते हुए वहां पर, क्योंकि हम मुंह पे बोलने वाले हैं, हम पीठ पे पीछे बोलने वाले नहीं है ना। अभी हमने एक अपशब्द नहीं बोला, एक अपशब्द ना। हमारे संस्कार हैं कि हम गालियां दें, बड़ों को गालियां दें, हम छोटों को नहीं देते तो तुमको क्या देंगे? ऐसे बड़े हो, काफी बड़े हो, रिस्पेक्टेड हो हमारे लिए, और वो रिस्पेक्ट कायम करना चाहते हैं हम हमेशा के लिए, तो अपनी इज्जत भी अपने हाथ में होती है ना। सही कह रही हूँ ना मैं? अपनी इज्जत अपने हाथ से मत कमाओ है ना, कि कोई आपका रिस्पेक्ट करना ही छोड़ दे, क्योंकि हमें उनमें मत गिनना कि हम सह लेंगे है ना। ठीक है ना, हम सहने वालों में से नहीं, हम एक हद तक सहते हैं, और गलत बात और अपने ऊपर आई कोई बात कभी नहीं सहते, समझे? बात इज्जत पे आएगी नहीं सहेंगे। और सुनो, हम किसी के बाप का नहीं खा रहे हैं, ठीक है ना, हम अपना खुद कमाते हैं और खुद अपने बच्चों को पालते हैं। हम कैसे कमा रहे, क्या करें, इसका ये आपका लुकआउट नहीं है ना कि आप जा जाके जमाने को बोलो, ये आपका लुकआउट नहीं है। आ रहा है ना समझ में क्या बोल रही हूं मैं? कोई आपने हमें पैसा नहीं बांध दिया जो आप उठा उठा के दूसरों के से हमारी बुराई करते फिर रहे हो? हमने भरपूर रिस्पेक्ट दिया, बहुत आगे बढ़ बढ़ के रिस्पेक्ट दिया कि नहीं यार, एक उम्र का लिहाज रखा मैंने है ना, एक रिश्तेदारी का लिहाज रखा, कुछ चीजों को सोच के मैंने लिहाज रखा, कुछ लोगों के बारे में सोच के मैंने लिहाज रखा। लेकिन ये तो है ही नहीं है ना लिहाज रखने लायक, शायद मुझे अब समझ में आ गया। तो मैं बस इतना ही बोलूंगी कि समझ में आ रहा हो तो समझ जाओ, नहीं आ रहा हो तो फिर हम बता दो हमें, तो हम टिकट कटवा लें अपना, आ जाए, मुंह पे बोलेंगे फिर हम ना।
फिर हम कुछ नहीं सोचेंगे, कुछ भी नहीं कि कौन है हमारा वहां पे क्या है, हम नहीं सोचेंगे। हमारे लिए गलत बोला गया है तो हम जवाब देना बहुत अच्छे जानते हैं, हम सीधे नहीं है, है ना। इतना याद रखना, शायद समझ गया होगा। जय श्री राम।